हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की जो फिजिकल चल रही है उसमें आज बड़ा उलटफेर हुआ है, बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ है। तो देखो क्या बदलाव हुआ, सब कुछ आपको मैं कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से यहाँ पर सुनाने की कोशिश करूँगा। कॉल रिकॉर्डिंग में अरे अपने जो अपने गाँव का भाई गया था उसने अपने फिजिकल वहाँ पर पास किया, तो उसने पूरी डिटेल मेरे को बताई है और वो कॉल रिकॉर्डिंग में आपको लास्ट में सुना दूंगा। तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या बोला गया है, देखो मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थानी भाषा में अपने भाई की तरह बात की है, उसने कोई हिंदी नहीं, तो मैं इसको थोड़ा हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से रखना। तो देखो सबसे पहले तो बता दूँ आपको, अलवर ग्राउंड के अंदर 500 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था। वो भाई बोल रहा है आपको, स्पेशली बोल रहा है कि भाई यहाँ पर बता दूँ आपको 200 बच्चों के लगभग, 200 से लेकर 250 बच्चों के लगभग यहाँ पर पहुँचे थे। ये बात उसने बहुत बड़ी बताई, मतलब आज 50% बच्चों की उपस्थिति हुई। कितनी बड़ी खबर है, कितना बड़ा बदलाव है, ये तो बात पहली बात तो आप ही है, क्योंकि इतने दिन आपके 35% 30% बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो रहे थे, बल्कि आज यहाँ पर 50% बच्चे उपस्थित हो गए। मतलब ये बोल सकते हैं हम आने वाले दिनों में बच्चे ज़्यादा जाएंगे। बच्चे ये सोच रहे थे कि इतने दिन हमारी तैयारी नहीं है या हम किसी बच्चे को पता नहीं था, पर अभी सभी को पता चल गया है और बहुत सारे बच्चों ने तैयारी भी कर ली है। तो अभी आपके कैंडिडेट ज़्यादा जाने वाले, मतलब 50% बच्चे यहाँ पर उपस्थित आज हुए। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी कि आज कितने एक बच्चे पास हुए, तो उसने साफ साफ बोला भाई हमारे 100 का बैच बना, एक बड़ी बात। जो आपका अलवर के इतने दिन आपका 50 बच्चों का बैच बनना था, वहाँ पर अभी आज आपका 100 बच्चों का यहाँ पर बैच बना, यानी 100 बच्चों का यहाँ पर बैच बना, जिसके अंदर से 70 बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया, मतलब 70% बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। आपका यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ स्पेशली कि टोटल यहाँ पर कितने बच्चे पास हुए, तो वो साफ साफ बता रहा है भाई यहाँ पर स्पेशल बता दूँ आपको, 145 प्लस बच्चे यहाँ पर वो साफ साफ यहाँ पर पास बता रहा है, यानी वो साफ साफ नहीं बोल रहा है कि 145 या 150 के लगभग टोटल बच्चे यहाँ पर पास हैं। मतलब मैं यहाँ पर मान लूँ तो दूसरे आप ये जो 2 नंबर का बैच बना था उसमें बहुत सारे कम बच्चे पास हुए, इस और 3 नंबर के बैच में थोड़े बच्चे पास हुए। तो इस प्रकार से आपके बच्चे पास हो रहे हैं, मतलब जो पहले जा रहा ना पहले बैच के अंदर जिस बच्चे का नंबर आ रहा ना उनमें बहुत सारे बच्चे पास होते, क्योंकि पहले आपकी ठंड में थोड़ी दौड़ हो रही है, ये बात स्पेशली है। और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको लास्ट के अंदर मिल जाएगी वीडियो की। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं लखनऊ ग्राउंड की रिपोर्टिंग में, बात कर लेता हूँ लखनऊ ग्राउंड के अंतर्गत आपकी बता दूँ यहाँ पर रिपोर्ट आपको यहाँ पर 500 बच्चों को बुलाया गया था और 500 बच्चों में से मात्र और मात्र यहाँ पर 180 बच्चे उपस्थित हुए। 180 बच्चों में से आपके 113 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किए गए। और लखनऊ ग्राउंड की वजह से मैंने पूरी डिटेल मैंने दे रखी, एक बार फिर बोल रहा हूँ 400 मीटर का एक ट्रैक है, चिप सिस्टम नहीं है लखनऊ ग्राउंड के अंदर, कोई आपका चिप सिस्टम नहीं है, एक आपके पास आईडी होनी चाहिए और ये आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ये बात आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वहाँ पर लखनऊ ग्राउंड में और क्या हो रहा है, लखनऊ ग्राउंड में आपको 6:30 तक आपको प्रवेश दे दिया जा रहा है और 6:30 तक आपको प्रवेश लास्ट दे जा रहा है, और इसी वक्त आपको यहाँ पर बैच बनाकर दौड़ स्टार्ट कर दी जा रही है, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। अदरवाइज कोई भी जानकारी हो तो लखनऊ ग्राउंड के बारे में बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर 12 बजे के लगभग बच्चों को यहाँ पर फ्री किया जा रहा है, 50 बच्चों का अभी भी यहाँ पर बेच बन रहा है, 50 बच्चों का ही बेच बन रहा है, बाकी ज्यादा बच्चों का यहाँ पर बेच नहीं बन रहा है। बात करते हैं अलवर ग्राउंड की, तो अलवर ग्राउंड में एक और फेरबदल हुआ है। अलवर ग्राउंड में यहाँ पर क्या हुआ, आपको 5:30 बजे यानी 5:30 से आप बच्चों का एंट्री स्टार्ट कर दी थी, मतलब उन्होंने 6 बजे से पहले आधे घंटे पहले एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। एसएसबी वाले साफ साफ ये करना चाहते हैं भाई जितने जल्दी हो सके वो फिजिकल को फ्री करना चाहते हैं, मतलब फिजिकल आप 12 बजे के लगभग उन बच्चों को फ्री कर दिया था। एसएसबी वाले भी ये नहीं चाहते कि बच्चे परेशान हो हम परेशान हो, वो तुरंत आपको फिजिकल का काम करा रहे हो, तुरंत आपको फ्री कर रहे हैं, एक तो बड़ी बात ये आ गई। और दूसरी बड़ी बात ये आ रही है कि कई बच्चे अभी भी डाउट में है कि हम जाए कि नहीं जाए, तो मैं बोलता हूँ सब बच्चे जाओ, जिन बच्चों का कॉलेटर है वो जरूर जाओ, और जिन बच्चों का कॉलेटर नहीं है वो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, क्या कारण से कॉलेटर नहीं है मैं एक एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपका भाई आपके लिए ऐसे मोटिवेशन वीडियो लेकर आता रहेगा। और मैं बता दूँ आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग आप जरूर सुने, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों चलते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर। और एक डॉक्यूमेंट्स क्या मांग रहे,
डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड और वो एडमिट कार्ड। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को कौन मांगने? तो कौन देख रहे आप? तो फिलहाल तो पे चेक को निकले आज। अच्छा, और कता छोरा है? 200-250 तक, 250 तक पहुंच रहे। और पास कता हुआ? पास हो रहे हैं, ये माने सोचना तो गया जगह, वो 70 दिन पास कर रहा। और फिर जब मतलब हाइट टेस्ट वेट? हाइट और चेस्ट वेट कितने हो रहे हैं? अच्छा, और फिर की तुम क्या कर रहे? बारह बजे की और रेबा की व्यवस्था है ना बेटे सामने? हाँ बिल्कुल, रेबा की व्यवस्था। चलो भाई कोई नहीं, ठीक है। अपने पास में है रेबा की व्यवस्था? तो पास में ही है।